नमस्कार, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सानवी स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे। अभी आप देखेंगे टू साइड ओपन, दो बैल्कनी के साथ 110 गज का 3 BHK फ्लैट और बहुत ही बेहतरीन और शानदार लोकेशन पे। बाल उद्यान रोड है, उत्तम नगर जो हमारा मेट्रो स्टेशन है उसके पास में, वहीं पे ऑन रोड ही आपको फ्लैट मिल जाता है मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पे। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन जहाँ पे ये फ्लैट सिचुएटेड है। एक तरफ आर्य समाज रोड है, दूसरी तरफ बाल उद्यान रोड है। बहुत ही फेमस लोकेशन उत्तम नगर का, मेट्रो स्टेशन से जैसा मैंने बताया तकरीबन 300 मीटर की दूरी पे ऑन रोड ये फ्लैट है। इस फ्लैट पे आप 80-85% तक लोन ले सकते हैं और रजिस्ट्री वाले फ्लैट्स हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से आपको लिए चलते हैं अपने बिल्डिंग के सामने वाली रोड पे, फिर देखेंगे पार्किंग और फिर हम लोग आएंगे फ्लैट के अंदर। जो फ्लैट हमारा टू साइड ओपन है, दो बैल्कनी के साथ इंडिपेंडेंट फ्लैट, हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट। लिफ्ट से हम लोग आ चुके हैं अपने फ्लैट की तरफ, कार पार्किंग भी आपको मिलती है, लिफ्ट से हम लोग आए ही हैं। जैसे ही हम लोग फ्लैट में एंट्री लेते हैं तो इसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट और वेस्ट है। ओवरव्यू आपको देता हूँ एक बार, नीचे से आशीष ये पूरा स्पेस दिखाइए। ये पूरा यहाँ लॉन्स टाइप या एक कह सकते हैं खुलेपन का जो एहसास है वो होगा, ओपननेस इस फ्लैट में आपको पूरी तरह से दिखेगी। यहाँ यू टाइप में ड्राइंग रूम मिल जाता है, सेपरेट इसमें किचन रखा गया है। यहाँ पे आपको किचन मिल जाता है, एक बेडरूम यहाँ मिलता है और इसके आगे एक और मास्टर बेडरूम है जिसमें अटैच वॉशरूम है, वार्डरोब है, उसके साथ आपको बैल्कनी भी मिलती है। और उसके बाद इसी ड्राइंग रूम के साथ यहाँ आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, थर्ड बेडरूम आपको यहाँ मिलता है और इसके साथ भी आपको बैल्कनी मिल जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने ड्राइंग रूम की। जैसे ही हम लोग एंट्री लेते हैं तो ये बहुत खुला सा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। फ्लोरिंग इसमें पूरे फ्लैट में कटनी पत्थर की गई है। ये पूरा स्पेस आपको खुला सा मिलता है यहाँ पे। जैसे ही आप एंट्री लेते हैं इसको बहुत अच्छे से सजाया जा सकता है। और यहाँ हम लोग ने टीवी पैनल दिया है और इस तरफ आइए आशीष साहब, यहाँ टीवी पैनल मिल जाता है और यहाँ पूरा आपको ड्राइंग रूम मिलता है सोफा के प्लेसमेंट के लिए। यू टाइप में आप यहाँ पूरा यू टाइप में सोफा लगा सकते हैं। फ्लोरिंग आप देख ही रहे हैं, कटनी पत्थर की आपको फ्लोरिंग मिल जाती है और बहुत ही खूबसूरत सा वॉलपेपर हम लोग ने यहाँ पे लगाया है। इस तरह से एल टाइप में आपको वॉलपेपर मिल जाते हैं। स्प्लिट एसी की वायरिंग ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे करके दे रहे हैं और मैंने आपको टीवी पैनल दिखाया है कि यहाँ पे अगर हमारी सेटिंग है, सोफ़ा का प्लेसमेंट है जिसमें आप यू टाइप में सोफ़ा लगा सकते हैं, तकरीबन 9-10 सेटिंग आप इसमें निकाल सकते हैं और उधर आपकी सेटिंग है तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा टीवी पैनल मिल जाता है। ये सारे स्लॉट्स इसमें दिए गए हैं, आप अपना यहाँ पे टीवी लगा सकते हैं। और ये सारे ड्रॉर्स आपको 4 ड्रॉर्स इसमें मिल जा रहे हैं, ये सारे ड्रॉर्स मिलते हैं यहाँ, ये सारा स्पेस आपको मिल जाता है। और इसके बाद इसमें हम लोग ने वीडियो कैमरा दिया है। जैसे ही आप फ्लैट में कोई आते हैं, नीचे पार्किंग के पास आते हैं तो यहाँ से आप उन्हें देख भी सकते हैं कि कौन आपसे मिलने के लिए आए हैं और आप उनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। और इसी ड्राइंग रूम में एक बेहद खूबसूरत फॉल सीलिंग का डिज़ाइन हम लोग ने दिया है, साथ में हम लोग झूमर भी लगा के दे रहे हैं जो ब्लूटूथ इनेबल है। वो ये रही, ये पूरा आशीष एक बार यहां से वहां तक पूरा आप फॉल सीलिंग डिजाइन दिखाइए।
इसके साथ जो कॉमन हमने वॉशरूम दिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग ने एंट्री ली थी, यहाँ मैंने वीडियो कैमरा आपको दिखाया था और ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। इसमें भी जो फ्लोरिंग हम लोग ने की है वो कटनी पत्थर की है। वॉल माउंटेड सामने सीट लगाए गए हैं और ऊपर गीजर के पॉइंट्स मिलते हैं और इसी के साथ में शावर हम लोग ने लगाया है। वेंटिलेशन के लिए स्पेस यहाँ आपको मिल जाता है और इसमें वॉश बेसिन भी हम लोग ने लगाया है हैंड वॉश के लिए और टैप यहाँ दिए गए हैं। डाइवर्टर हम लोग ने लगाया है, एक ही टैप से हॉट एंड कोल्ड वाटर आएगा। और इसी के साथ इस तरफ एक हमने फर्स्ट बेडरूम दिया है जिसमें वार्डरोब भी मिलता है, वो हम देखते हैं। फ्रेंड्स आप लोग को पता ही है हम लोग वाइड लेंस कैमरा यूज नहीं करते हैं, तो आशीष एक बार पूरा स्पेस दिखाइए। जो फ्लोरिंग है वो भी दिख जाएगी कटनी पत्थर की। इतना बड़ा सा आपको बेडरूम मिलता है। एक चीज मैं और भी नोटिस करवाना चाहूंगा, यहाँ जो वार्डरोब आपको मिल रहा है वो आपके बेडरूम का स्पेस खराब नहीं कर रहा है, ये दीवार के अंदर ही है। क्रॉस वेंटिलेशन, दो बैल्कनी है दोनों तरफ, तो वेंटिलेशन की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ हम लोग ने विंडो दिया है और इसमें दो तरह के आपको पल्ले मिल जाते हैं, एक तो जाली का पल्ला मिलता है और दूसरा कांच का पल्ला मिल जाता है। यहाँ आप अपना विंडो एसी लगा सकते हैं और यहीं से हमारी बैल्कनी की एंट्री है। बट ये दिखाने से पहले एक बार आशीष, जो डिसेंट सा हम लोग ने फॉल सीलिंग की डिज़ाइन दी है जिसमें कॉब लाइट्स और एलईडी लाइट्स हम लोग ने यूज़ किया है, एक बार वो दिखाइए और फिर बैल्कनी दिखाइए। बैल्कनी और फॉल सीलिंग आपने देखी, ये वॉलपेपर आपको यहाँ पे मिलता है, बहुत डिसेंट सा कलर हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ से हम लोग चलते हैं और देखते हैं जो हमारा मॉड्यूलर किचन है वो एकदम सेपरेट रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक चिमनी के साथ, वो आपको मिल जाता है। पूरा आप अपना जो घर है, अपना आपका जो फ्लैट है वो आप देख रहे होंगे, ये पूरा स्पेस। और यहाँ हमारा ड्राॅइंग रूम है, तो इस तरफ आपको किचन मिलता है। किचन में भी वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया है, हालांकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगा के दे रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ आपको विंडो मिल जाता है। एल टाइप में आपको किचन मिलता है। इसमें हम लोग ने चैनल जो यूज़ किया है वो सॉफ्ट क्लोज है, इसे आप बहुत तेज से पुश करेंगे तब भी बहुत आराम से लगेगा। ये देखिए सॉफ्ट क्लोज हम लोग ने इसमें यूज़ किया है। ये सारे कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं और बड़े कंटेनर के लिए आपको यहाँ स्पेस मिलता है और यहाँ भी आपको स्पेस मिल रहा है। इस कॉर्नर को हम लोग ने ऐसे यूज़ किया है, आप इसे निकाल के इसमें कुछ रख सकते हैं और फिर इसे अंदर कर सकते हैं। दो ट्रे हम लोग ने इसमें लगाए हैं। उसके बाद यहाँ भी आपको स्पेस मिल जा रहा है। ये देखिए इस तरह से आप अगर तेज़ी से भी पुश करेंगे तो बहुत आराम से लगेगा। और यहाँ भी इस जगह का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम लोग ने टैप लगाए हैं हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए। दिल्ली जरूरत का जो पानी आता है उसके लिए यहाँ टैप है। दो तरह के पानी मिलेंगे आपको, एक समरसेबल का पानी मिलेगा, एक जल बोर्ड का पानी मिलेगा। ऊपर आप यहाँ आरओ या गीजर लगा सकते हैं, यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है। स्पेस की कमी आपको बिल्कुल नहीं खलेगी इसमें, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस। और यहाँ भी स्पेस निकाला गया है और एक स्टोरेज के लिए जगह यहाँ भी मिल जाता है। और मैं टाइल्स एक बार दिखाऊंगा, इसमें रूफ तक जो टाइल्स है वो यूज़ किया गया है। इस तरह का डिज़ाइन है आशीष, दिखाइए एक बार। और एक बार इस वॉल को भी दिखाइए, इसमें इस तरह का आपको टाइल्स मिल जाता है ऊपर रूफ तक। ये दिखाते हुए एक बार ऊपर जो हमने डिज़ाइन दिया है फॉल सीलिंग की वो भी दिखाइए। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं अपना जो सेकेंड बेडरूम है वो। यहाँ हमारा
सेकेंड बेडरूम है, इसमें भी जो फ्लोरिंग है वो कटनी पत्थर की मिलती है, यहाँ वॉलपेपर हम लोग ने यूज़ किया है और ऊपर स्प्लिट एसी की वायरिंग करके हम लोग दे रहे हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है, इसमें भी दो तरह के पल्ले मिलते हैं, एक कांच का और एक जाली का, और इस तरह का आपको डिज़ाइन मिल जाता है फॉल सीलिंग के। चलते हैं और देखते हैं अपना जो मास्टर बेडरूम है वो, जिसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलता है, अटैच बैल्कनी मिलती है और वार्डरोब भी मिलता है। सबसे पहले आशीष पूरा फ्लोरिंग दिखाइए। पूरी फ्लैट में आपको कटनी पत्थर की फ्लोरिंग मिलती है, काफी स्पेसियस मास्टर बेडरूम। यहाँ पे इस तरह का आपको वॉलपेपर मिल जाता है और वेंटिलेशन के लिए अगेन यहाँ विंडो मिलती है बड़ी सी, दो तरह के इसमें भी पल्ले मिल जाते हैं, जाली के और कांच के। विंडो एसी आप यहाँ लगा सकते हैं और यहीं से हमारी बैल्कनी की एंट्री है। बट ये दिखाने से पहले एक बार आशीष जो डिज़ाइन हमने दी है फॉल सीलिंग की, एक बार वो दिखाइए और फिर बैल्कनी दिखाइए। आपने दोनों तरफ की बैल्कनी देख ली। यहाँ पे इस मास्टर बेडरूम में इस तरह का हम लोग ने वार्डरोब दिया है। अब देखिए ऊपर रूफ तक जो इसकी हाइट है वो हम लोग ने ली है और इसी के साथ एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है। एक अटैच वॉशरूम दिखाइए। इसमें भी जो फ्लोरिंग है वो कटनी पत्थर की गई है। सीट हम लोग ने यहाँ पे लगाया है, वॉल माउंटेड फ्लश आपको मिल जाते हैं, गीजर के लिए पॉइंट्स मिलता है, फिर यहाँ पे आपको शावर मिल जाते हैं और इधर वेंटिलेशन के लिए आपको स्पेस मिलता है। नीचे हम लोग ने टैप दिया है, एक ही टैप से हॉट एंड कोल्ड वाटर आएगा, डाइवर्टर यूज किया है और यहाँ आपको वॉश बेसिन मिल जाता है। अगर इस फ्लैट की हाइलाइट्स की बात करूँ तो लोकेशन बाल उद्यान रोड और आर्य समाज रोड के बीच में ये हमारा फ्लैट है। फ्लैट टू साइड ओपन है, दो बैल्कनी आपको मिलता है, दो वार्डरोब हम लोग ने दिया है, मॉड्यूलर किचन आपको मिलता है, एक कॉमन वॉशरूम मिलता है, एक अटैच वॉशरूम मिलता है और प्राइस हम लोग ने इसका 49,90,000 रुपये में ये इंडिपेंडेंट फ्लैट आपको 3 BHK का मिल जाता है, लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ। आप चाहें तो लोन भी ले सकते हैं। मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पे बहुत ही अच्छे लोकेशन पे इंडिपेंडेंट फ्लैट, हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट है, ये आपको मिल जाता है। अगर इस फ्लैट के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे कस्टमर केयर का जो नंबर है उस पर फ़ोन करें या आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह आपको सानवी एस्टेट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स दीजिए मुझे इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हमें, ऑफ कोर्स आप ही सानवी एस्टेट है और आप ही से सानवी एस्टेट है।